नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में। आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बार सुकमा एसपी की एक चिट्ठी ने वायरल होने के बाद बीजेपी अब हमलावर है और सवाल खड़े कर रही है सीधे सरकार पर। दरअसल सुकमा एसपी की चिट्ठी में आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण की बात लिखी गई है। इतना ही नहीं, चिट्ठी में धर्म परिवर्तित आदिवासियों और स्थानीय आदिवासियों में टकराव की आशंका भी जताई गई है। सांसद रामविचार नेताम ने तो केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग कर दी है। उधर सरकार के मंत्री इस बात को फिलहाल सिरे से नकार रहे हैं। ऐसे में क्या है सच्चाई और क्या अब आगे वाकई में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर और ज्यादा सियासी घमासान होने वाला है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है आप समझते हैं, और जब सरकार या प्रशासन के ही किसी के जरिए ये चीज निकलकर बाहर आएगी तो बीजेपी से हाथों हाथ लपकेगी, लपक भी लिया है। अब सीधे तौर पर बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि प्रदेश में धर्मांतरण चल रहा है और सरकार सो रही है, सरकार संरक्षण दे रही है, यहां तक के आरोप हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सुनिए दोनों ही पक्ष। अनाधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रवेश कर रहा है, कोई भी धर्मांतरण कर रहा है, ये तो एक प्रमाणित मामला है। लेकिन अनेक मामले ऐसे रोग उजागर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय इसकी कमेटी बना के जांच करने की आवश्यकता है और जांच करके उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाने की सख्त आवश्यकता है। नहीं तो छत्तीसगढ़ की आपकी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के लोग कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे, और जिस प्रकार से हो रहे हैं तो उसमें बैन करना अति आवश्यक है, रोक लगाना अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि वो एकाध प्रकरण की जानकारी आने के बाद पुलिस अधीक्षक का पत्र जो सामने आया है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ऐसी कहीं कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। तो आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, सबसे पहले यह आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर छिड़ गया है सियासी रण। एसपी की चिट्ठी से बवाल, बीजेपी ने उठाए सवाल, लालच की दुहाई, क्या है सच्चाई, यह भी कहा जा रहा है कि लालच देकर धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी संग्राम, ये तमाम सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रामविचार नेताम जी, सांसद राज्यसभा बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर तरीके से समझते हैं। स्वागत है नेताम जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, संसदीय सचिव हैं, कांग्रेस से लगातार बहुत मुखर, बहुत युवा नेता हैं और लगातार कांग्रेस जो है उसको लेकर डिफेंड करते रहते हैं। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी बताएंगे कि क्या है सच्चाई छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और उससे जुड़े सियासी घमासान को लेकर। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आता हूं रामविचार नेताम जी के पास। नेताम जी, क्या इस तरह के इनपुट्स आपके पास हैं कि वाकई में धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि महज एकाध मामला अगर कोई आ जाता है और उसे लेकर चिट्ठी लिख दी एसपी ने तो उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में और खास करके जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं, बस्तर का क्षेत्र हो या सरगुजा अंचल का हो, इन सभी जगहों में बड़े ही बेखौफ के साथ जो है धर्मांतरण करने वाले जो तत्व हैं वो सब जो है अपने काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। और जो बस्तर की जो हमारी संस्कृति है, वहाँ की जो पहचान है, आज उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है। जिस प्रकार से धर्मांतरण करने के लिए जिस प्रकार से वहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है, भोले भाले हमारे आदिवासी समाज के लोगों को उनके सिधाई का नाजायज फायदा उठा करके बड़े पैमाने पर वहां मिशनरी उन्हें धर्मांतरित करने के काम में लगे हुए, तो सरकार की जानकारी होने के बावजूद आज वहां के जो अधिकारीगण हैं
जो जिला प्रशासन है वो भी मूक दर्शक बना हुआ है, वो किसी प्रकार से कार्रवाई करने से वो झिझक रहे हैं। और यही कारण है कि अभी जो सुकमा का जो एसपी ने बड़े हिम्मत के साथ अपने मातहत अधिकारियों के लिए जो आदेश जारी किया है, ये सब जो है कलई खोल के रख दिया है। ठीक है विकास जी, कांग्रेस के संरक्षण में धर्म परिवर्तन चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है सरकार के संरक्षण में, बहुत गंभीर आरोप है सर। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय पूर्व मंत्री जी सांसद साहब रामविचार नेताम जी को नमस्कार करता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। धर्मांतरण की बात को किसने चिट्ठी में प्रस्तुत किया, किसने चिट्ठी लिखी और किसके माध्यम से बात निकल कर आई? एक भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित पार्षद ने चिट्ठी एसपी को जानकारी दी और एसपी साहब ने उस पर तत्कालिक अपने नीचे के अधिकारियों से बातचीत करके एक चिट्ठी लिखने का काम किया। अगर सरकार इस धर्मांतरण में संरक्षण करती, अगर उनको मदद करती, तो अधिकारी क्विक कैसे इसका पालन करता? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी रामविचार नेताम जी इस बात को कह रहे थे कि जिला प्रशासन मूक दर्शक बना है। अगर मूक दर्शक बनकर देख रहा है, अगर जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा था तो चिट्ठी तो एसपी ने लिखी है, एसपी साहब ने चिट्ठी लिखा था। भारतीय जनता पार्टी का ये हिडन एजेंडा है, बस्तर में और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी भाइयों का विश्वास और इस जाति समूह का विश्वास कांग्रेस के साथ है, और जिस प्रकार से बस्तर के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है जिसको लेकर वो उनके बीच में जाती है और इस प्रकार की अफवाहों को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज से नहीं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की अगर कोई बात करता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उन्हीं के नेताओं की बात आती है। बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर बात करते हैं। मैं तो रामविचार नेताम जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, क्या कितने मुकदमे दर्ज हुए जब आप स्वयं गृह मंत्री थे? आप इस बात को बता दीजिए। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस बात का उल्लेख कर दीजिए। और झूठ बात को फैलाना, धर्मांतरण की बातों को फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है, उन्हीं के माध्यम से ये बात बाहर निकल कर आई और इसको इशू बनाने का काम, पूरे प्रदेश के वातावरण को खराब करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी के पास आता हूँ। मनीष जी, नेताम जी कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, विकास जी कह रहे हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, बीजेपी सियासत कर रही है, असलियत क्या है सर? आदिवासी अंचल बस्तर में लोग कहते तो हैं, हमने देखा सुना, हमेशा विवाद होता है धर्मांतरण को लेकर, क्या चल क्या रहा है बस्तर में? देखिए, धर्मांतरण बस्तर में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस और भाजपा से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा के शासनकाल में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है और कांग्रेस के शासन में भी धर्मांतरण हो रहा है। अभी सुकमा के जिन एसपी साहबान की चिट्ठी पर जो अभी ये बहस छिड़ी हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कोर्रा में ऐसा ही एक मामला आया है। सुकमा जिले का कोर्रा गांव जो है, वहां पर एक सामाजिक कार्यक्रम में कुछ मिशनरी के लोगों के द्वारा कुछ वहां पर कार्यक्रम किया जा रहा था, आदिवासियों ने विरोध किया और रात में बलवा की स्थिति हुई जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को सुकमा के अस्पताल में दाखिल किया गया था, बाकी लोगों को गादीरास के अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसी प्रकार के धर्मांतरण का जो इशू है वो कहीं ना कहीं भाजपा शासन काल में जगदलपुर और लोंडीगुड़ा ब्लॉकों में भी आया है, इस पर भी काफी बवाल हुआ है। मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि धर्मांतरण आदिवासी इलाकों में एक बहुत बड़ा और
ज्वलंत मुद्दा है, मुझे लगता है इसका सामाजिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। और बस्तर का सर्व आदिवासी समाज, जिसमें कांग्रेस के अरविंद नेताम जी शामिल हैं और भाजपा के राजाराम तोड़ेम भी शामिल हैं, ये लगातार धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और भाजपा कांग्रेस की जो ये मतलब सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं, ये लगातार उस मुहिम में आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें धर्मांत ईसाई मिशनरियों की जो चर्च और जो दूसरी चीजों की गणना हुई थी, उसमें आश्चर्यजनक ढंग से जो आंकड़े आए थे वो इतने ज्यादा थे कि उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के शासनकाल में भी इस बात को लेकर के बहस चली है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब इस पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है तो ऐसे में संघ परिवार और ये जो अनुसांगिक संगठन है वो कैसे इसका मुकाबला करेंगे। तो मुझे लगता है कि बस्तर में जो है धर्मांतरण एक जेन्युइन मुद्दा है और बड़े पैमाने पर हुआ है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों शासनकाल में हुआ है और इसे इसे सामाजिक रूप से इससे निपटना चाहिए। मुझे नेताम जी आपके समय में भी हुआ है, अगर यह स्वेच्छा से हो रहा है तो कानून इसकी इजाजत देता है और समाज को भी इसे अपनाना चाहिए, लेकिन अगर यह लालच देकर डराकर धमकाकर मजबूर करके हो रहा है तो बीजेपी तो देश का और क्या दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। नेताम जी आप लोगों ने क्यों कोई रिपोर्ट ला करके नहीं दी, क्यों सुकमा एसपी की चिट्ठी को हवाला बना करके आपको इस पूरे मामले को आगे उठाना पड़ रहा है। आप लोगों के आदिवासी समाज से जुड़े जनप्रतिनिधि बहुत हैं, सैकड़ों हैं, आप खुद हैं, तो वहां से आप लोग क्यों सच्चाई निकाल कर नहीं लाते कि ये फलाने व्यक्ति हैं, इन्हें लालच दे करके या डरा करके इस तरह की चीजें क्यों नहीं, फिर ये सिर्फ जब आरोप लगते हैं तो ये इनका वजन कम हो जाता है सर, जब तथ्य नहीं होते। तो मैं अभी विकास जी की बात को सुन रहा था बड़े आदर के साथ। विकास उपाध्याय जी बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं, उनका सम्मान करता हूं। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, लेकिन मनीष गुप्ता जी ने जिस प्रकार से उनका जी एक विस्तृत जो अध्ययन है और उन क्षेत्रों में बहुत अच्छी उनकी पकड़ है और धरातल में जो स्थिति है उससे भी उन्होंने जो उनके पास जो जानकारी है उसे रेखांकित किया है, मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। रही बात पिछले 15 सालों में हमारे सरकार के समय में धर्मांतरण तो चलता रहा, ये बात सही है, उस समय भी हुआ है, लेकिन बेखौफ तरीके से, जिस प्रकार से आज बड़े ही बेखौफ तरीके से खुलेआम और सरकार को ऐसा बताना कि ये हमारी वजह से सरकार बनी है, आज ये तत्व बोल रहे हैं कि आज हम चाहे हैं हमारी वजह से सरकार जो है कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तो निश्चित ही इसका मनोबल बता रहा है कि किस प्रकार से आज यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ में नेताम जी मेरा सवाल अलग था। नेताम जी मेरा सवाल ये था कि अगर धर्मांतरण हो रहा है और आदिवासी समाज इसको लेकर के उनको लगता है कि गलत तरीके से हो रहा है, देखिए धर्मांतरण होना गलत नहीं है, तरीका गलत है, और अगर बीजेपी के नॉलेज में ये चीजें हैं तो बीजेपी ने इसे उजागर करने के लिए क्या किया सर? आखिर आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी है आपकी। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, मैं इस बात को भी इनकार नहीं कर सकता कि देखिए ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी का हमारा राजनीतिक मुद्दा है। एक तरफ से ये पूरी तरह से ये सामाजिक मुद्दा है, वहां का अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। आज उन क्षेत्रों में किस प्रकार से भोले भाले लोगों को प्रलोभन दे करके उन्हें इलाज के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, या फिर उनके और भी लोगों के विकास के नाम पे
जिस प्रकार से धर्मांतरण करने का बड़े पैमाने पर ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो मैं समझता हूं इस विषय को पूरी निष्पक्षता के साथ ना नेताम जी देखिए भाई ना, आप जब कहेंगे कि षड्यंत्र चल रहा है तो लोग सबूत मांगेंगे, आप सबूत दे नहीं रहे सर। समय में भी मैं एक मिनट लेना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है, चाहे सरगुजा अंचल की बात हो चाहे बस्तर अंचल में हो, उस समय ग्राउंड स्तर पे इन लोगों ने लुके छिपे तरीके से अपना नेटवर्क को फैलाने का काम उस समय भी चलता रहा और समय समय पे हम लोगों ने इस बारे में चिंता भी व्यक्त की। हमारे जहां तक अनुसांगिक संगठन की बात की है उनकी जानकारी में सभी बातें हैं, ठीक है, पहले भी होती रही है, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन आज जिस प्रकार से निर्बाध गति से जिस प्रकार से धर्मांतरण के काम में ये लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का और सरकार के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, ठीक सर, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। विकास जी, क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण जैसा मुद्दा सामाजिक मुद्दा अगर है तो इसको लेकर के कांग्रेस को भी कम से कम एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए चीज़ों को? एसपी को अगर चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार यानी कि समाज का एक बड़ा तबका जो बुद्धिजीवी तबका है वो भी मानता है कि है, तो फिर आप भी कर लेंगे तो बेहतर है, वरना बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा है, आगे भी होता रहेगा गलत तरीके से अगर ये हो रहा है तो उसे रिव्यू करके एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर दी जाती? अभिलाष जी, इसीलिए इसकी शुरुआत वहाँ के एसपी ने की, तत्कालिक एसपी ने चिट्ठी लिख के अपने नीचे के अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए इस पर बात कही। और मैं पहले भी आपको इस बात को कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं भी दबावपूर्ण तरीके से धर्मांतरण की बात नहीं हो रही है। मैं मनीष जी की भी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये खाली छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ये धर्मांतरण की अगर आप बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की स्थितियां ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्यों में उन राज्यों में भी है। मिशनरीज अगर जाकर उन क्षेत्रों में अगर कोई फैसिलिटी कोई स्वास्थ्य की फैसिलिटीज या कोई शिक्षा का काम उनके बीच में ले जाती है और स्वयं अपनी मर्जी से कोई लोग जा रहे हैं तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं विकास, अगर इसका एक पहलू तो सर ये भी है, लालच क्या सरकार विफल रह रही है वहां पर, उसके परिवार सरकार विफल है क्या आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा पहुंचाने में, सुविधाएं पहुंचाने में? और इसका फायदा जिस तरह से बीजेपी कह रही कि वो उठाते हैं, बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया, आपने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देगा, जो इकोनॉमिक लिबर्टी देगा, जो मदद करेगा, तो फिर लोग उसकी तरफ तो झुकेंगे ही सर। ये तो सामाजिक ढांचा ही हमारा ऐसा है। अभिलाष जी, पूरे देश के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो जो मिशनरीज की जो संगठन संस्थाएं हैं ये उन क्षेत्रों में जाकर काम कर रही है। लेकिन मैं जिस प्रकार से 15 साल में भारतीय जनता, मैं किसी राजनीतिक दल पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मनीष जी की बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये चिंता का विषय हमारे लिए भी है और जो विपक्षी पार्टी राजनीतिक दल के लोग हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन जिस प्रकार की बातें सामने आई, एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की चिट्ठी पर पूर्व जो हमारे गृह मंत्री थे आदरणीय सम्मानित मंत्री जी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, पहले इसकी वस्तु स्थिति को पूरी जानकारी को पता कर लेना चाहिए। और जिस क्षेत्र से रामविचार नेताम जी आते हैं उस क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा 15 साल की स्थितियां क्या थी वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आपने जिस बात को कहा कि हमको कैसे इसकी पूरी समीक्षा करानी चाहिए, इसकी जांच भी करानी चाहिए और इसमें कितनी सच्चाई है उसको पता करके तत्कालिक अगर कोई दबावपूर्ण तरीके से या कोई लालच दे के या कोई प्रेशर डाल के अगर धर्मांतरण की बात कर रहा है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्या आपको लगता है कि हम भले ही ईसाई मिशनरी या किसी दूसरे मजहब पर आरोप आक्षेप लगा देते हैं बैठ करके, लेकिन असल में ये जो कमियां हैं ये हमारे सिस्टम की हैं, सरकारों की हैं जिन्होंने उन इलाकों में विकास ही नहीं किया, और जो आकर के बुरे वक्त में किसी की मदद करेगा तो सहानुभूति झुकाव लगाव ये तो होगा ही ना, ये तो नेचर है। तो हमें सबसे पहले चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस,
उन आदिवासी अंचलों में सुविधाओं को, मूलभूत ढांचे को, इलाज को, नौकरी को, दूसरी शिक्षा को, इन्हें सुदृढ़ करना होगा, तभी ये चीजें रुक पाएंगी। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बातों में काफी दम है। आज जब हम ईसाई मिशनरियों की बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में ईसाई मिशनरी जिस कमिटमेंट से सामने आ रही हैं, अंदरूनी इलाकों में जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम आज अगर ईसाई मिशनरी के लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति एक कमिटमेंट, उनके प्रति एक समर्पण जो है ना, वो क्षेत्रवासियों का निश्चित रूप से बनता है। पर रही बात बस्तर की, तो बस्तर में जैसे हम जानते हैं कि बस्तर का आदिवासी बहुत भोला भाला है, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में अगर सर्व आदिवासी समाज के लोग सामने आ रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे समाज में ये अतिक्रमण हो रहा है, और इसको लेकर के सामाजिक स्तर पर आदिवासी संगठन अगर सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए और उन कारणों को दूर करना चाहिए जिन कारणों की वजह से ऐसे आरोप लग रहे हैं। रही बात अभी सुकमा एसपी की, देखिए सुकमा एसपी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने 3 या 4 गांवों का जिक्र किया है जहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं। सुकमा जिला बहुत संवेदनशील जिला है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि पिछले वर्ष कोर्रा और गादीरास इलाके में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। उस इलाके के अगर इन 4 गांवों में ऐसी कोई गतिविधि है, तो निश्चित रूप से उसे संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए। आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है, और धर्मांतरण का शिकार होकर के अगर आदिवासी अपने मूल प्रवृत्ति से, अपने मूल जड़ों से अगर गायब हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये सब हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये समाज का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा वर्ग है, जिसके लिए हम सारे लोगों को, जो सरकारें बनती हैं समाज के उसी वर्ग के उत्थान के लिए सरकारें बनती हैं, और अगर हम उनका काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, और ये हमारे लिए शर्म की बात है। आजादी के 7 दशक बाद अगर हम बस्तर के गाँव में शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाए, तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए हमने एक अवसर दिया है। और पिछले तीन चार दशकों से जिस प्रकार नक्सली सिकंजर कसे बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, और आज एक समय आ गया है दलगत भावना से ऊपर उठ करके मुझे लगता है कि इस विषय पर दोनों दलों को देखना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और इस विषय को का समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल विकास जी, मैं बस आपसे संक्षेप में लास्ट में एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत बहुत ही संक्षेप में, कि क्या कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल होगी जिससे वहां की वास्तविक स्थिति की एक प्रॉपर व्यापक उसका अध्ययन हो सके, रिपोर्ट बन सके, ऐसा कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल अभिलाष जी, मैंने पहले भी आपको कहा, मैंने पहले हमारे 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने भी आपको अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है, ऐसी कोई स्थिति निर्मित होगी या वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है उसकी जानकारी लेकर सरकार भी अपनी तरीके से पहल करेगी। चलिए अच्छी बात है। मनीष जी की बात को सुन रहा था, वो मनीष जी की बात में तो दम है, इसीलिए तो पिछले ढाई साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वहाँ विकास कार्य करने का की शुरुआत की, वहाँ के लोगों को उन्हीं के जिलों में नौकरी लगाने की बात की है, मिनी पीएससी वहाँ पर बनाने की बात कही है, तो ये तमाम चीजें हैं जिससे हम इन तमाम चीजों को रोक सकते हैं। ठीक है सर, बस नेताम जी अंतिम 20 सेकंड में आपका आंसर चाहूंगा, क्या नेताम जी बीजेपी का कोई जांच दल, कोई कमेटी, कोई वहां पर आदिवासी समाज से जुड़ा कोई दल जाकर के देखेगा वस्तु स्थिति क्या है और उसकी रिपोर्ट देगा, या केवल बैठकर इंतजार करेगा कि सरकार की तरफ से कुछ निकल आए चिट्ठी विट्ठी तो उस पर सियासत कर लें? नहीं, निश्चित ही काफी यह संवेदनशील मुद्दा है, और इस बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल भी बनेगा और वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर के हम सबको जो है प्रस्तुत भी करेगा। रही बात देखिए पूरे प्रदेश के जो परिस्थिति बनी है, विकास जी आप काफी संवेदनशील हैं, लेकिन मैं आज भी ये आरोप इसको ना माना जाए, लेकिन पूरे प्रदेश में आज भी जो स्थिति चल रही है, शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे अवैध ढंग से लोग जो है रोड के किनारे आकर के जिस प्रकार से शक्तियां पूरे ताकत का
इस्तेमाल करके जो कब्जा करने का चल रहा है, कहीं ना कहीं ये तत्व लगे हुए हैं। पूरे हमारे अंबिकापुर जो शहर है, महामाया घाटी है, वहां लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। मैं आऊंगा सर नितान जी, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। नितान जी उस पर भी हम डिबेट करेंगे। आज का हमारा दिन आदिवासियों के लिए रिजर्व था और हम आपका शुक्रिया अदा जरूर करेंगे नितान जी, विकास उपाध्याय जी, मनीष जी। और साथ ही साथ एक चीज हमें समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ में सियासत आदिवासियों के नाम पर होती जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत का असल रूप देखना है तो आदिवासी अंचलों में जाकर देखिए। बस्तर के किसी भी ज़िले को चुन लीजिए और थोड़ा सा अंदर निकल जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सियासत के कहने और करने में कितना अंतर होता है। और जब ये अंतर बड़ा हो जाता है तो फिर दिल बदलते हैं, दल बदलते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो धर्म भी बदलते हैं। कारण क्या है सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए।